इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के गांव उलहेड़िया में शिव शक्ति क्लब द्वारा 4 दिवसीय प्रो डे एंड नाइट कबड्डी टूर्नामेंट का समापन हो गया है। समापन समारोह के मौके पर इंदौरा क्षेत्र के प्रमुख उद्योगपति तेजपाल कटोच ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर उनके साथ पंचायत के प्रधान शमशेर सिंह, उप प्रधान परमजीत के अलावा गोपाल ठाकुर विशेष रूप से मौजूद रहे। इंदौरा विधानसभा के गांव उलहेड़िया में शिव शक्ति क्लब द्वारा 4 दिवसीय प्रो डे एंड नाइट कबड्डी टूर्नामेंट का देर रात समापन हो गया। समापन समारोह के मौके पर इंदौरा क्षेत्र के प्रमुख उद्योगपति तेजपाल कटोच ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर उनके साथ उलहेड़िया पंचायत के प्रधान शमशेर सिंह, उप प्रधान परमजीत सिंह पंडोरी के पंचायत प्रधान गोपाल ठाकुर, लंबरदार हैप्पी, ओबीसी मोर्चा इंदौरा के अध्यक्ष डॉक्टर जोगिंदर पाल उर्फ पाली और दर्शन मनहास आदि भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। शिव शक्ति क्लब उलहेड़िया द्वारा आयोजित इस कबड्डी टूर्नामेंट में हिमाचल और पंजाब से 50 के लगभग कबड्डी टीमों ने भाग लिया। पंजाब के तरन तारण, अमृतसर, फतेहगढ़ साहिब और दसुआ से आई टीमों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनाया। फाइनल मैच का मुकाबला तरन तारण और अमृतसर की टीमों में खेला गया, जिसमें तरन तारण की टीम ने अमृतसर की टीम को हराकर कबड्डी कप विजेता का खिताब अपने नाम किया। क्लब द्वारा विजेता टीम को 20,000 और उप विजेता टीम को 15,000 इनाम राशि के साथ स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि तेजपाल द्वारा क्लब को 11,000 रुपए की राशि भेंट की। क्लब के सदस्य मनमोहन शर्मा का कहना है कि इस तरह के टूर्नामेंट के आयोजन करवाने का मकसद युवा पीढ़ी को खेलों की ओर प्रेरित करना है, ताकि युवाओं को नशे जैसी कुरीतियों से दूर रखा जा सके। शक्ति क्लब लहरियों की तरफ से 4 दिवसीय प्रो कबड्डी डे नाइट टूर्नामेंट करवाया गया है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए 50 से अधिक टीमों ने भाग लिया। शक्ति क्लब की तरफ से पहला नाम 20,000 रुपये और दूसरा नाम 15,000 रुपये दिया गया। तीसरा इनाम 5,000 रुपये विजेता टीम को दिया गया। शिव शक्ति क्लब लहरियों का मुख्य उद्देश्य इस टूर्नामेंट करवाने को है देश बचाओ नशा छुड़ाओ। और मैं शिव शक्ति क्लब लहरिया की तरफ से ग्राम वासियों और ग्राम पंचायत लहरिया को बधाई देता हूँ, जिन्होंने इस आयोजन को सफलतापूर्वक बनाया। तो ये था दिन भर कार्यक्रम, फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप जुड़े रहिए एच टुडे के साथ। नमस्कार।